नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज दिन भर कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में रहेंगी और क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा, देश को 6,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। झारखंड के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की सूची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 3 देशों की सफल यात्रा के बाद लौटी स्वदेश। मलावी में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इसराइल ने बेरूत और गाजा पर बरसाए बम। इसराइली पीएम ने कहा, मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्ला की बड़ी गलती। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, 35,000 से अधिक धावक ले रहे हैं हिस्सा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। दरअसल आज वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो काशीवासियों को 3,200 करोड़ से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 6,100 करोड़ रुपये की योजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी सिकरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरुहा में शंकर नेत्रालय का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर स्थित आरजी शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। ये जो हॉस्पिटल का मॉडल है, ये 75-25 रहेगा, जहाँ पे 75% का जो पेशेंट्स रहेंगे हमारे पूरे गरीब लोग, जिनको हम जाके आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा आउटरीच मॉडल रहेगा। प्रधानमंत्री लगभग 2,870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए लागत की और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत की न्यू सिविल इनक्लेव का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिकरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जो कुल परियोजनाएं हैं वो 23 परियोजनाएं हैं और 6,611 करोड़ की सारी परियोजनाएं होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। वाराणसी के लिए इनमें से 3200 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और वहां पर नए टर्मिनल का निर्माण है, उनको जोड़ते हुए 3200 करोड़ की हमारी 15-16 परियोजनाएं हैं। साथ ही 3400 करोड़ की ऐसी 6 अन्य शहरों की परियोजनाएं भी हैं जो सिविल एविएशन के एयरपोर्ट के टर्मिनल से जुड़ी हुई है। 3 टर्मिनल्स का लोकार्पण होना है और 3 टर्मिनल्स का शिलान्यास होना है, तो वो 6 परियोजनाएं भी 3400 करोड़ की होती हैं। तो कुल मिला के 6,600 करोड़ की परियोजनाओं से 7 शहरों का लाभ यहां पे सीधा सीधा होगा। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी में बना ये सिकरा स्पोर्ट्स स्टेडियम कई मायनों में बेहद खास है। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई है। यहाँ बने मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पैरा ओलंपिक के मानकों पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का काम अलग अलग फेज में हुआ है। इन सब के अलावा खिलाड़ियों के लिए 150 बेड का हाईटेक हॉस्टल, फूड कोर्ट, पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस बनाया गया है।
सिगरा स्टेडियम को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर तैयार किया गया है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक के उपकरणों व मैदान पर खेलने का अवसर भी मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इसका फायदा होगा। निश्चित रूप से 2022 से शुरू हुआ यह पुनर्निर्माण का कार्य 2024 में जब कम्प्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो यह केवल काशी के ही लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पूर्वी प्रदेश के लिए एक नायाब तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों के लिए है, खासतौर पर युवाओं और खिलाड़ियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से वाराणसी में विकास की रफ्तार को और धार मिलेगी। हरिकेश बहादुर सिंह और आशुतोष शुक्ला के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज वाराणसी। तो ना सिर्फ वाराणसी बल्कि अगर बात करें खासतौर से मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को भी आज छठे एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। देश के विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का छठवां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खास तौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी, साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार विकास को देश में जाना अपने किस तरीके से गति मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की सफल आधिकारिक यात्रा के बाद देर रात भारत लौट आई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा से जहां तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी, वहीं कई आर्थिक व्यापारिक समझौते भी इस दौरान हुए हैं। और वहीं झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जो है लिस्ट वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सरायकेला से चंपई सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया, तो बीजेपी की सूची में महिलाओं को भी बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनंत ओझा राजमहल, माधवचंद महतो नाला से, सत्येंद्रनाथ तिवारी गढ़वा से, वहीं भानु प्रताप शाही भवनाथपुर से, सीपी सिंह रांची, गीता कोड़ा
जगन्नाथ पुल से। और जाहिर तौर पर जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उसमें महिला उम्मीदवारों की अगर बात की जाए, मीरा मुंडा भी इसमें शामिल हैं जो कि पोटका से चुनावी मैदान में हैं, सुनील सोरेन दुमका से, नीलकंठ सिंह मुंडा खुंटी से, इसके अलावा लॉबिन हेब्राम बोरिया से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने केरल के वायनाड से नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। केरल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भाजपा ने कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। इस यात्रा से शिक्षा के क्षेत्र में आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग, भागीदारी और तालमेल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2 दिनों की सिंगापुर यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। 3 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात करेंगे और शिक्षा क्षेत्र में परस्पर हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल नजर आ रहा है। वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहे हैं। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं अब यहां आम होने लगी हैं। दिल्ली और NCR के आसमान में कोहरे की परत छाई हुई है। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। 2 गुटों ने एक दूसरे पर सरेआम गोलियां बरसाई। गोलीबारी की इस घटना में 22 साल की एक लड़की घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान गली में पुलिस को खाली कारतूस भी मिले। और बात अयोध्या की, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव, मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियरों के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांव के कुम्हारों से दिए जुटाए जा रहे हैं। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दिए को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यह आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। तो रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है, स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुँच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब करीब 10 लाख जो है दिया, इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 55,000 दिया दे चुके हैं। तो इस बार का जो दीपोत्सव है वो जाहिर तौर पर और भी भव्य नजर आएगा। फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं, साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डी न्यूज पर आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को माना जाता है। सख्त आदेश के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। इसे लेकर पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है और ना ही उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक बताई जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में 300 के पार चला गया है, जो हवा के बहुत खराब स्तर को दर्शाता है। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਲੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗੱਠਾ ਬੰਨਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੇ। और आइए बाकी बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इसराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए हैं। इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों दहिया पर कम से कम 10 हवाई हमले किए, जो हिजबुल्ला के प्रमुख दफ्तरों का गढ़ है। हमले के बाद नागरिकों को वहां से निकलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले हिजबुल्ला ने ड्रोन के जरिए इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्ला को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्ला की बड़ी गलती साबित होगी। इसराइल सरकार ने ड्रोन हमले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया था, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। और बात करते हैं अमेरिका की, जहां 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। दोनों उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस सभी तरह के मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय की भूमिका इस चुनाव में अहम मानी जा रही है। डीडी इंडिया दूरदर्शन के जो हमारे संवाददाता हैं अमृतपाल, उन्होंने भारतीय अमेरिकियों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अमेरिकी संसद को जब संबोधित किया था तो उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनकी भारतीय विरासत का जिक्र किया था। देयर आर मिलियंस हियर हु हैव रूट्स इन इंडिया, सम ऑफ देम सिट प्राउडली इन दिस चैम्बर एंड देयर इज वन बिहाइंड मी। Who has made history? I am told that the Samosa Caucus is now the flavor of the house. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात हैरिस की ओर इशारा करते हुए कही, जिनकी माँ भारत में पैदा हुई थी। हैरिस की विरासत इस बात का संकेत है कि अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकी किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। सोसाइटी में तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। लास्ट फ्यू इयर्स में हमने ये देखा है कि पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में लगभग 5 भारतीय अमेरिकी हैं और राज्य विधानसभाओं में लगभग 40 भारतीय हैं। भारतीय अमेरिकी मतदाताओं की मतदान दर किसी भी एशियाई
अमेरिकी समूह की तुलना में सबसे अधिक है, लेकिन भारतीय अमेरिकी किसी विशेष पार्टी को सामूहिक रूप से वोट नहीं देते हैं। किसी भी अन्य समूह की तरह उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इंडियन अमेरिकन्स का इस देश में हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आज इंडियन अमेरिकन्स जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री बनेंगे इस इलेक्शन में। पहले तो इतना ज़्यादा हमारे लोग इसमें रुचि नहीं रखते थे, अभी हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी राजनीति में हमारे लोग आगे आएं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय एक उभरती हुई राजनीतिक ताकत है। सिटीजन्स बन रहे हैं तो वो वोट देने के लिए जो है अब सक्षम हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके अमेरिकन ड्रीम पे जो है खतरा हो सकता है, तो उनको लगता है कि ये बचाने का एक तरीका ये है कि हमारा इन्फ्लुएंस हो। हालांकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एक छोटा समूह है, इनके नंबर्स कम हैं, पर पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लिहाज से, सिविक लीडरशिप के लिहाज से ये कम्युनिटी अमरीकी राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, स्टैनफर्ड, कैलिफोर्निया। इटली में आयोजित G7 की रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास हमलों को कम करे। इसराइल के हमलों में लगातार आम नागरिकों की मौत हो रही है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि सीमा के दोनों ओर के नागरिक अपने घरों को लौट सकें। साथ ही लॉयड ने उत्तर कोरिया द्वारा यूक्रेन युद्ध में सैनिक भेजे जाने की खबर पर भी चिंता व्यक्त की। वहीं इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि 7 अक्टूबर के हमलों से कुछ घंटे पहले हमास के नेता सिनवार और उनका परिवार एक अज्ञात स्थान पर एक सुरंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रॉयटर्स ने स्वतंत्र रूप से फुटेज के स्थान या तारीख की पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि सिनवार इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले का सूत्रधार था, जिसने गाजा युद्ध को जन्म दिया। एक साल के तलाशी अभियान के बाद वह इसराइली सेना के साथ गोलीबारी में मारा गया। एक और जहां हमास कमांडर सिनवार की मौत को इजरायली सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र होकर सरकार से युद्ध विराम और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग करने में लगे हुए हैं। तख्तियां थामे भीड़ सरकार विरोधी नारे लगा रही है। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बंधकों को वापस लाए बिना कोई भी जीत बेंजामिन सरकार की वास्तविक जीत नहीं होगी। हम बंधकों की सकुशल वापसी चाहते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक बड़ा बयान दिया है। कमला हैरिस ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास नेता सिनवार की हत्या से मिले अवसर का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस अवसर का लाभ युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सकुशल घर वापसी के लिए करना चाहिए। इटली, ब्रिटेन और जापान के रक्षा मंत्री इटली के नेपल्स में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इटली के गुइडो रोसेटो, ब्रिटेन के जॉन हिली और जापान के जनरल नाकातानी की मौजूदगी वाली इस बैठक में नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन का समर्थन किया। साथ ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भी चिंता व्यक्त की। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के 95 कैदियों को सौंप दिया है। सैनिकों की अदला बदली के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेनी युद्धबंदियों की अदला बदली का काम जारी रहेगा। इन सैनिकों की अदला बदली में संयुक्त अरब अमीरात में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। यूक्रेनी संसद के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्रो लुबिनेट्स ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ये 58वीं रिहाई और उसके साथ ही स्वदेश वापस लौटे कैदियों की कुल संख्या 3,767 हो गई है। राजधानी दिल्ली में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन में 35,000 से अधिक धावक हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी स्टेडियम से भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, अरविंदो मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग,
सी हेक्सागन, कर्तव्य पथ, रफी मार्ग, रेल भवन, संसद मार्ग तक होते हुए जाएंगे। मैराथन का समापन वापस जेएलएन स्टेडियम में होगा। मैराथन के कारण जो कई रास्ते हैं वहां पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है, जिसमें भीष्म पिता मार्ग, कोटालाल बत्ती, सेवानगर लाल बत्ती, अरविंदो मार्ग, लोधी रोड जंक्शन, राजेश पायलट मार्ग, अमृता शेरगिल मार्ग, मेहरचंद मार्केट लाल बत्ती, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, आर्क बिशप मार्ग, साथ ही सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मैक्समुलर मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग और महर्षि रमन मार्ग, साथ ही लाला लाजपत राय मार्ग, नीला गुंबद, साथ इसके अलावा मथुरा रोड, भैरव रोड जंक्शन पर डायवर्जन किया गया है। वहीं कश्मीर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का गवाह बना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में विभिन्न देशों के हजारों एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। और बात क्रिकेट की, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य आज को चाहिए। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत को न्यूजीलैंड के 10 विकेट की दरकार रहेगी। इससे पहले चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाई। दरअसल मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने हैं। इससे पहले अगर बात की जाए अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया है। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत शतक से चूक गए, वे 99 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल 35 रन, रोहित शर्मा 52 रन, विराट कोहली ने 70 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से विलियम मुर्के ने 3, मैट हेनरी ने 3, स्पिनर एजाज पटेल को 2 फ्लिप्स और टिम साउदी को 1-1 विकेट मिला। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।